बाजार में जो अभी जो पैड उपलब्ध है वो उसके अंदर इंडियन चिप और जेल शीट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या फिर हो भी रहा है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। मतलब बिना इंडियन चिप और बिना जेल शीट के उसकी कीमत 4 से 5 रुपए एक पैड की हो रही है, और हम लोग इंडियन चिप भी लगा रहे हैं और जेल शीट भी लगा रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में घर जाके महिलाओं को 2 से 2.5 रुपये में दे रहे हैं। मैं शुरू से ही चाह रहा था कि जीवन में अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होना चाहिए और कुछ सामाजिक स्तर पर हमें कुछ करना चाहिए, तो मैं सर्च कर ही रहा था कि क्या करूं, और एक दिन अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी मैंने देखी, तो उस मूवी से मैं इतना मुझे लगा कि उसमें जिस प्रकार से अक्षय कुमार ने जो संघर्ष किया और महिलाओं के लिए जो सस्ता पैड बनाया और महिलाओं को सस्ता पेड़ उपलब्ध करवाया और कई महिलाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाया, तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ कि क्यों ना मैं भी जो है गांव में कुछ इस प्रकार का करूं कि महिलाओं को सस्ता पेड़ दूं ताकि वो गंभीर बीमारियों से बचे। जिन महिलाओं को कहीं से भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है या रोज़गार उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें किसी प्रकार से जो है रोज़गार उपलब्ध कराऊँ। तो मैंने अक्षय कुमार से प्रेरित हुआ काफ़ी, और मैंने सैनिटरी पैड बनाने के लिए जो है पिताजी से बात करी कि मैं सैनिटरी पैड बनाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने इसके लिए जो है शुरुआत में मेरे को काफ़ी मना कर दिया कि भाई इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में इसको पैड को जो थोड़ा ठीक नहीं माना जाता, इसके बारे में बात करना जो है उचित नहीं माना जाता है, शर्म महसूस की जाती है। तो पिताजी ने कहा कि ये ऐसा काम करेगा तू और लोग क्या कहेंगे, तो मेरे को जो है अपनी बात मनवाने के लिए मैंने ठान रखी थी मेरे को यही करना, तो मैंने सैनिटरी पैड बनाने की ज़िद करी और सैनिटरी पैड बनाने की जो है मैन्युफैक्चरिंग की ये यूनिट डाली छोटी सी। और जो रोज़गार के जो आंकड़ा है, आज रोज़गार बहुत कम है लोगों के पास, तो मैं चाह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में एक साल के अंदर कम से कम जो है 50 से 100 महिलाओं को जो है रोज़गार उपलब्ध करवाएं। मेरा मकसद यही है कि किसी भी प्रकार से हम लोग जो है गांव में जाके और महिला को सस्ता से सस्ता पैड दें। इसके लिए हम लोग जो है मेडिकल स्टोर्स या जनरल स्टोर्स पे अभी उपलब्ध नहीं करवा रहे, हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ही आर्थिक स्थिति से कमज़ोर महिलाएं और जिनके पास रोज़गार नहीं है उन्हीं को जो है हम लोग जनरल स्टोर बना रहे हैं और उन्हीं को मेडिकल स्टोर बना रहे हैं और उन्हीं को रोज़गार दे रहे हैं। शुरुआत में जब पहली बार किसी महिला को देते हैं तो वो खोल के भी देखती है और हम लोग उसको समझा के देते हैं, और उसके उसका नाम और मोबाइल नंबर हम लोग रजिस्टर में जो है लिख के और लेके आते हैं, और हम लोग निरंतर उनसे बात करते रहते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो कई महिलाओं के हमारे पास जो है बेहतर रिजल्ट आए हैं और महिलाओं ने इसको एक्सेप्ट किया है। तक करीब 3 महीने में हम लोग जो 24,000 पैड जो है ग्रामीण महिलाओं को जागरूक कर पाए, उन्हें दे पाए हैं, और इससे महिलाओं को शुरुआती दौर में काफ़ी हम लोगों को दिक्कत आई थी कि उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कई महिलाओं ने तो ये भी कहा कि भाई इतना आज तक तो कोई बीमारी हुई नहीं हमें, और अब कैसे बीमारी हो जाएगी। फिर हमने और हमारी महिलाओं की टीम ने जो है उन लोगों को समझाया कि इससे जो है आगे जाके कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, या फिर आजकल कई महिलाओं को जो है बच्चा नहीं हो रहा है। नेट पे भी मैंने सर्च किया तो मेरे को मिला कि करीब ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 51% महिलाएं आज भी गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर रही है, तो मुझे एकदम से अंदर से फील हुआ कि अब तो मतलब ये करना ही है कुछ भी। इस कम से कम नीमच जिले के क्षेत्र में जो है 51% का आंकड़ा मुझे 0% पर लाना है।